हम सब्ट्रैक्शन ऑफ नंबर के बारे में समझेंगे कि सब्ट्रैक्शन किसे कहते हैं। आइए हम सब्ट्रैक्शन के बारे में समझें। सब्ट्रैक्शन इज अ वे ऑफ टेकिंग अवे अ नंबर और क्वांटिटी फॉर द गिवन अमाउंट। तो सब्ट्रैक्शन हम सब्ट्रैक्शन इज अ वे वे ऑफ टेकिंग अवे अ नंबर और क्वांटिटी फॉर द गिवन अमाउंट। आइए हम प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन के बारे में समझें। When zero is subtracted from a number, the difference is the number itself. जब हम जीरो से जब माइनस करेंगे हमें दिया फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारी कि when zero is subtracted subtract from a number the difference runs if the number itself. When zero is subtracted from a number, the difference is the number itself. तो जब हम जीरो से कोई भी नंबर when zero is subtracted from a number, हम चाहे जीरो से कोई भी नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे the difference is the number itself. तो वही आंसर आएगा क्योंकि जब हम जीरो से कोई भी नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे माइनस करेंगे तो आंसर उसका वही आएगा। तो एग्जांपल है हमारा एग्जांपल के द्वारा समझेंगे। तो एग्जांपल इज 5-0 इज इक्वल टू 5। हमने 5 को 0 से सब्ट्रैक्ट किया तो आंसर 0 आया। तो आंसर 5 आया। 5-0 इक्वल टू 5। सेकेंड प्रॉपर्टीज व्हेन अ नंबर इज सब्ट्रैक्ट फॉर इटसेल्फ द डिफरेंस इज 0। जिस नंबर से हम सब्ट्रैक्ट करते तो आंसर हमेशा ऑलवेज 0 ही रहता है। सेकेंड प्रॉपर्टी है तो व्हेन अ नंबर
if subtract. From itself. The difference is zero. चलिए आइए हम एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे कि ये प्रॉपर्टी क्या है. तो एग्जाम्पल मैंने लिया 5 - 5 इज इक्वल टू. जब मैंने 5 ही को उसी नंबर से मैंने सब्ट्रैक्ट किया तो आंसर 0 आया, क्योंकि ये 5 मैंने 5 लिया, उसमें से मैंने 5 को कट की, मैंने सब्ट्रैक्ट किया तो आंसर 0 आया. जब मैंने यहाँ पे मैंने 5 लाइन ड्रॉ की, 1, 2, 3, 4, 5. अब हम इसे 5 इसे हम 5 नंबर से ही सब्ट्रैक्ट करेंगे, मतलब हम 5 नंबर में कट कर देंगे, जैसे 1, 2, 3, 4, 5. तो आप इसमें देख सकते हैं कि इसमें कोई भी लाइन एक्स्ट्रा नहीं है, चाहे ऐसे ऐसे कोई भी लाइन नहीं है, सिर्फ इसमें जितनी थी उसमें हमने 5 काउंट करके कट किया तो आंसर इसमें आया. तो हम जब हम कोई भी नंबर नहीं आता, 5 - 5 = 0. When we subtract 1 from a number, we get the predecessor of the number. हम कोई भी नंबर ले लेते हैं, उसमें से हम 1 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो जो हमारा नंबर है, जैसे कि मैंने 3 लिया, 3 - 1 किया = 2 आया. जब मैंने 3 में 1 माइनस किया = 2 आया, 3, 1, 2, 3. तो जब मैंने 3 में से 1 को माइनस किया 1, तो 1 और 2, इसमें हमारा प्रेडिसेसर नंबर आया. जब हम कोई भी नंबर में से उसका उसमें से 1 नंबर माइनस करते हैं तो उसके जो पहले नंबर है, जो प्रेडिसेसर ही नंबर हमेशा आता है. थर्ड इज when we subtract subtract 1 from a number, we get predecessor of the number. Thank you.